हाय एवरीवन, आईआईएससी वाराणसी में आपका स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे ग्रुप थ्योरी ऑब्स्ट्रैक्ट एलजेब्रा में एक ऐसे टॉपिक की जिससे आप ग्रुप करते हैं। और जैसा आपको पता है कि ग्रुप जो है, ये ग्रुप वर्ड वाज क्वाइंड बाय गैलवा इन 1830 पहली बार 1830 में ग्रुप वर्ड was coined by गैलोस। प्रोनाउंसिएशन का गैलवा है, गैलवा। तो इन 1830 ग्रुप वर्ड पहली बार जो मैथमेटिकल वर्ड को ये ग्रुप मिला, पूरे मैथमेटिकल वर्ड को जो ग्रुप वर्ड मिला था ये 1830 में। उसके पहले ग्रुप वर्ड यूज नहीं होता था। और इन 1830 एट द एज ऑफ अराउंड 20 ईयर्स, उसमें गैलोज की उम्र जो थी लगभग 20 साल थी, क्योंकि 21.5 साल तक जिंदा ही रहे, तो 1831 एंड हाफ के आसपास उनकी डेथ हुई थी। लेकिन उस समय जो ग्रुप रहा उसको आप पढ़े ही। और उसके बाद जो 1830 से लेकर 1870 तक, फिर 1870 में क्लोजर का कंसेप्ट थोड़ा सा ज़्यादा डिस्प्यूटेड होने लगा। 1890 तक बेबर ने इस पे काम किया और 1905 में फाइनली ये डिसाइड हुआ कि एनी स्ट्रक्चर और एनी नॉन एम्प्टी सेट जी, लेट जी बी एनी नॉन एम्प्टी सेट एंड स्टार भी ए बाइनरी ऑपरेशन। वहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन की बात होने लगी थी। और बाइनरी ऑपरेशन आप जानते होंगे कि दिस बाइनरी ऑपरेशन, तो बाइनरी मीन्स यहाँ पे दो एलिमेंट की बात हो रही थी कि इसके दो एलिमेंट्स लिए जाए, टू एलिमेंट्स, एंड दिस टू एलिमेंट्स वेर डिस्टिंक्ट। इसके बाद अब बाइनरी ऑपरेशन हो तो लेट जी बी ए नॉन एम्प्टी सेट एंड स्टार बी बाइनरी ऑपरेशन। तो जिस स्टार को आप बाइनरी ऑपरेशन बोल रहे थे, तो ये था कि इफ फॉर एवरी ए बी बिलोंगिंग टू जी, ए स्टार बी बिलोंग्स टू जी। ऐसा हो कि प्रत्येक ए बी के लिए जब ए स्टार बी करें तो उसी का मेंबर हो जाए। जैसे आप देखिए, अगर हम लोग इस स्टार को निगेटिव सब्ट्रैक्शन ले लें, क्लियर, दिस स्टार इज सब्ट्रैक्शन, और जो जी है इसे हम नेचुरल नंबर ले लें, तो उस केस में ए स्टार बी इज ए माइनस बी। लेकिन अगर दोनों नेचुरल नंबर हो, लेट हियर ए इज टू एंड बी इज फाइव, उस केस में टू स्टार फाइव इन दिस नेचुरल नंबर इज टू माइनस फाइव, दिस इज माइनस थ्री, बट माइनस थ्री डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो जो बाइनरी ऑपरेशन रहा उसमें ये लिया गया कि जो दो एलिमेंट लिए जा रहे हैं, तो जो भी ऑपरेशन है, जब उस ऑपरेशन को परफॉर्म किया जाए, ऑपरेट किया जाए उस पर, तो जो रिजल्ट आ रहा है उसी जी के अंदर होना चाहिए। जैसे नेचुरल नंबर का सब्ट्रैक्शन, दो नेचुरल नंबर का सब्ट्रैक्शन हमेशा नेचुरल नंबर नहीं होगा, इसलिए फेल हुआ। दो नेचुरल नंबर का एडिशन हमेशा नेचुरल नंबर होगा, इसलिए इस पे बाइनरी ऑपरेशन है। तो इसी तरीके से 1905 में लिखा गया कि किसी भी स्ट्रक्चर को आप ग्रुप कहेंगे, जैसे जी, पहली शर्त थी कि जी कैसा होना चाहिए, नॉन एम्प्टी होना चाहिए, और स्टार बाइनरी ऑपरेशन हो। अब पहली शर्त ये थी कि जी इज क्लोज्ड अंडर स्टार, G is closed under star। आप लिखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड की बात नहीं करिए, कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड इन दिस G, दिस क्लोजर इज नॉट अ प्रॉपर्टी, G इज क्लोज्ड अंडर स्टार, अंडर स्टार। और 1890 में क्लोजर का भी कंसेप्ट फुली ला दिया गया। तो 1905 में लिखा गया कि G जो है स्टार के अंडर क्लोज होना चाहिए। मीन जैसे आप बोलते हैं ना अपने फ्रेंड से कि ऐसा है
देखिए हम ये आपसे ही बोल रहे हैं, ये बात किसी से कहिएगा मत, आप तो अपना समझ के बोलते हैं। बट उनका भी कोई क्लोज होता है, वो उससे बोलते हैं कि ये उन्होंने ऐसे ऐसे कहा, बट आप किसी से कहना मत। फिर वो निकली, फिर निकली, फिर निकली, फिर निकली, और फिर आप गाना गाते हैं कि बात निकली है तो बड़ी दूर तक लग जाएगी, है ना। तो जी इज क्लोज्ड अंडर स्टार, तो क्लोज्ड अंडर स्टार में ये था कि क्लोजर मीन्स दो एलिमेंट जो आप उठा रहे हैं, ले रहे हैं, वो दोनों एलिमेंट सेम भी हो सकते हैं, सेम नंबर को भी आप रिपीट कर सकते हैं। इसलिए कहा गया एलजेब्रा इज द हार्ट ऑफ मैथमेटिक्स, और ये आपको जीना भी सिखाती है कि आप क्या करिए, खुद के क्लोज रहा करिए। अगर खुद के क्लोज आप नहीं रहेंगे ना, तो आपको कोई और ड्राइव करने लगेगा। तो खुद के क्लोज रहना बहुत ज़रूरी है, और दिन भर भाग दौड़ करते रहिए, करते रहिए, बस 2 मिनट बैठिए और खुद से सोचिए। तो जो क्लोजर प्रॉपर्टी था उसमें यही था, जैसे बाइनरी था कि फॉर एवरी ए बी बिलोंगिंग टू जी इज सच दैट ए स्टार बी बिलोंग्स टू जी हियर हियर ए एंड बी मे बी सेम मे बी सेम। ये दोनों एक हो सकते हैं, मे बी सेम। यार ए एंड बी मे बी सेम डज नॉट मीन ऑलवेज सेम, मे बी सेम हो सकता है। इसका मतलब कदापि आप ये नहीं कर रहे हैं कि हमेशा सेम होगा ही होगा। मेरी बात पकड़ में आ रही है ना, कि हमेशा सेम होगा ऐसी बात नहीं की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि ये दोनों सेम हो सकते हैं, मीन्स खुद के क्लोज आप रहिए। दूसरा था एसोसिएटिविटी, कि एसोसिएटिविटी होल्ड इन जी मीन्स कोई तीन एलिमेंट ले रहे थे आप, ए बी सी एलिमेंट ऑफ जी सच दैट ए स्टार बी स्टार सी इज सेम एज ए स्टार बी दिस सॉरी दिस इज सेम एज ए स्टार बी स्टार सी। एसोसिएटिविटी आप देखेंगे ना, तो एसोसिएटिविटी घरों में भी फेल हो रही है, क्लोजर प्रॉपर्टी भी घरों में फेल हो रही है, इसलिए न्यूक्लियर फैमिली बनती चली जा रही है। मैथमेटिक्स कहती ग्रुप परिवार, परिवार में क्लोजर होल्ड करना चाहिए, है ना। परिवार के अंदर एसोसिएटिविटी होनी चाहिए कि ए स्टार बी स्टार सी, अगर ए बी परिवार के तीन मेंबर जिसमें से दो ए बी कहीं थोड़ा सा दूर हट के बात कर रहे हैं, तो इस सी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि क्या बात चल रही है। और अगर ये दोनों फिर बात करने लगे बी और सी, तो ए को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, दोनों बराबर एसोसिएटिविटी कि ए स्टार बी स्टार सी सेम एज ए स्टार बी स्टार सी, पहले दोनों ऑपरेट होंगे फिर ये। इसके बाद था एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, किसी भी ग्रुप की आइडेंटिटी दिखती। आप जैसे कहते हैं ये आदमी अच्छा है, ये थोड़ा कम अच्छा है, बुरा कोई नहीं होता, नथिंग इज गुड और बैड इन द वर्ल्ड बट थिंकिंग मेक्स इट सो। कोई आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में फिट नहीं बैठता, इसका मतलब ये नहीं हम बोल देंगे कि वो बुरा ही है, ठीक है ना। वो हो सकता है कि हमारा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमने बनाया, हमने जो एक फ्रेम बना लिया है उसमें वो फिट नहीं बैठ रहा होगा, हो सकता है उसमें वो छोटा हो जा रहा है या फिर वो बड़ा हो जा रहा होगा, जैसा भी। तो आइडेंटिटी का मतलब होता है ना, जैसे आप पॉलिटिकल पार्टी को ले लीजिए, हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक आइडेंटिटी है, एक चुनाव निशान है, चुनाव चिन्ह है। तो अगर वो जो है, अगर किसी कार पे या गाड़ी पे साइकिल पे लगा हुआ है, तो आप बोलते हैं, आपके अंदर आ जाता है कि ये व्यक्ति इस पार्टी का होगा, ये व्यक्ति इस फला पार्टी का होगा, ये व्यक्ति फला पार्टी, आइडेंटिटी वही है। तो आइडेंटिटी क्या होती है, पूरा जो सेट है उसकी एक आइडेंटिटी होती है। जैसे ये भाई बड़े लोग सज्जन हैं, इस घर के लोग बड़े सज्जन हैं, इस परिवार के लोग बड़े सज्जन हैं, इस परिवार के लोग थोड़ा सा कम सज्जन है, ज़्यादा एनर्जेटिक है, झगड़े उगड़े ज़्यादा करते हैं। तो आइडेंटिटी उसकी बात हो रही है, मीन्स कह रहे हैं कि फॉर इफ फॉर एवरी एलिमेंट ए बिलोंगिंग टू जी देयर एग्जिस्ट बी
बिलोंगिंग टू जी। और ये जो बी है ना, ये यूनिक होता है, ऐसा नहीं कि अलग अलग ए के लिए अलग अलग बी मिलेगा। अलग अलग ए के लिए अलग अलग बी की बात नहीं हो रही है, प्रत्येक ए का कोई एक ही हो। जिसने बोलते हैं यार ये उनके घर का बच्चा है, ये बच्चे तो फला के घर के हैं, तो फला के घर के बच्चे हैं, मीन्स वो आइडेंटिटी है ना। तो सच दैट ए स्टार बी इज ए, अगर ऐसा हुआ। इसके बाद जो चौथी चीज थी रिक्वायरमेंट, वो था एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। और इसमें आपने देखा हुआ था, इस केस में जब आइडेंटिटी की बात की गई तो आपने देखा कि आइडेंटिटी ए स्टार बी इज ए, अगर ये जो स्टार है सिंपल एडिशन का है तो उस केस में ए प्लस बी ए, एंड दिस इंप्लाइज बी इज ए माइनस ए एंड दिस इज जीरो। इसलिए आप बोलते हैं कि जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी, बट जीरो इज नॉट ऑलवेज एडिटिव आइडेंटिटी। जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी ओनली व्हेन ऑपरेशन इज सिंपल एडिशन। अगर ऑपरेशन सिंपल एडिशन का है, एक गाना था पुराना, पुराना नहीं है, आप लोगों के हिसाब से पुराना हो गया होगा, कि पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, तो आइडेंटिटी भी बदलेगी। जैसे अगर एडिशन ऑफ मैट्रिसेस चल रहा है, सम ऑफ मैट्रिसेस, तो जीरो मैट्रिक्स होगा, ठीक है ना। अब अगर ये मॉड्यूलर ग्रुप में है, मॉड्यूलर ग्रुप में जेड एन की बात नहीं करें, किसी और मॉड्यूलर को डिफाइन किया गया समथिंग, जैसे एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर एक्स फाइव मॉड्यूलो समथिंग स्मॉल एम, तो उस केस में जरूर नहीं कि जीरो ही आइडेंटिटी आए, आइडेंटिटी बदल सकती है। बट अगर सिंपल एडिशन है तो जीरो क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है ना। अब दूसरा है कि अगर बाइनरी ऑपरेशन सिंपल मल्टीप्लीकेशन हो जाए, तो उस केस में ए इंटू बी इज ए, एंड दिस इंप्लाइज बी इज इक्वल टू ए बाई ए, और ए बाई ए तब तक वन नहीं होगा। जैसे जब हम लोग लिखते हैं बीएससी वगैरह की कापियां, मीन्स बीएससी किए होंगे जब, या आप बीएससी कर रहे हैं, उस समय ये सारी चीजें एरर हो जाती हैं कि ए बाई ए को आपने तुरंत लिख दिया वन, बट ये आप लिखते हैं कि प्रोवाइडेड ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ए बाई ए वन तब होगा जब ए का मान जीरो नहीं होगा, क्योंकि अगर जैसे ए जीरो हुआ, अगर ए जीरो हो गया तो ए जीरो बाई जीरो का फार्म आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका ध्यान रखना। तो वन जो है मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है जब ऑपरेशन सिंपल मल्टीप्लीकेशन, क्लियर, ये रहा। तो किसी स्ट्रक्चर में अगर एडिशन के रिस्पेक्ट में है और ए है, तो आप देखते हैं जीरो है कि नहीं, है ना। अगर ये मल्टीप्लीकेशन में, तो आप देखते हैं वन है कि नहीं। सिमिलरली हम लोग बात करेंगे इनवर्स की। इनवर्स आप ये चार चीजें ध्यान में रखिएगा, जब भी ग्रुप पढ़िएगा चार चीजें ध्यान में रखिएगा। पहला तो वो तो अपना है कि जी इज नॉन एम्प्टी सेट एंड स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन इफ द फॉलोइंग होल्ड्स। पहला है क्लोजर, दूसरा है एसोसिएटिविटी, तीसरा है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही कि नहीं, आइडेंटिटी उसके अंदर है कि नहीं, इसकी बात हो रही। इसके बाद इनवर्स के केस में आपने पढ़ा होगा कि इफ फॉर ए बिलोंगिंग टू जी देयर एग्जिस्ट बी बिलोंगिंग टू जी सच दैट ए स्टार बी इज आइडेंटिटी। बड़ी इंटरेस्टिंग केस है, ए स्टार बी इज आइडेंटिटी। तो ए स्टार बी इज आइडेंटिटी, ठीक है ना। तो ये आइडेंटिटी क्या है, अब अगर सिंपल एडिशन है तो आइडेंटिटी बदलेगी, मल्टीप्लीकेशन है तो आइडेंटिटी बदलेगी, आइडेंटिटी है ना। जिसे आप देख सकते हैं, दो परिवार है, एक परिवार में बच्चे टीचर हैं, बच्चे बच्चियां सब, दूसरे में आईएएस है, तो उतना कि आईएएस का परिवार, ये प्रोफेसर की फैमिली। तो ऐसे भी होता है, आइडेंटिटी बदलेगी, स्टार पे डिपेंड करेगी। अब अगर यहाँ पे स्टार सिंपली एडिशन है तो ए प्लस बी इज जीरो, क्योंकि जीरो क्या है, सिंपल एडिटिव आइडेंटिटी व्हेन यू आर टेकिंग दिस बाइनरी ऑपरेशन एज एडिशन।
तो ये हुआ, दिस इंप्लाइज व्हाट, b इज इक्वल टू 0 माइनस a एंड दिस इज माइनस e, तो माइनस a इज एडिटिव इनवर्स ऑफ a. तो किसी भी स्ट्रक्चर को अगर आपको शो करना है कि ग्रुप है कि नहीं, तो एडिशन के रिस्पेक्ट में जहाँ पे हम लोग सिंपल एडिशन की बात कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले देखिएगा कि उस स्ट्रक्चर में अगर a है तो माइनस a है कि नहीं. जैसे आपने सेट ऑफ इंटीजर को देखा होगा, तो सेट ऑफ इंटीजर में 1 है तो माइनस 1 भी है, 2 है तो माइनस 2 है, 3 है तो माइनस 3 है, 4 है माइनस 4 है, 5 है माइनस 5 है, 0 भी है. तो उसमें आइडेंटिटी भी है, इनवर्स भी है, और किसी दो इंटीजर को आप जोड़ेंगे तो इंटीजर ही आएगा, क्लोजर हो गया, एसोसिएटिविटी होल्ड कर जाएगी. फॉर एवरी ए बी सी बिलोंगिंग टू जेड, ए प्लस बी एंड प्लस सी इज सेम एज ए प्लस बी प्लस सी, अलग अलग. तो इसलिए सेट ऑफ इंटीजर ग्रुप फॉर्म करता. अब जो है, अगर ऐसा हुआ कि स्टार मल्टीप्लीकेशन का हो गया, तो a इंटू बी 1 आना चाहिए, एंड दिस इंप्लाइज b इज इक्वल टू 1 बाई a. बट शर्त लिखना मत भूलिएगा कि हियर प्रोवाइडेड a इज नॉट इक्वल टू 0. तो यहाँ पे a जो है 0 नहीं है, इसको नहीं भूल जाना. ये क्या है, माइनस a, दिस इज 1 मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स एंड दिस इज सॉरी मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी एंड दिस इज एडिटिव आइडेंटिटी इन केस ऑफ सिंपल एडिशन, सिंपल मल्टीप्लीकेशन. और इन सब के बाद, तो अगर किसी स्ट्रक्चर में ये चार चीज़ें होल्ड कर रही हैं कि एडिटिव आइडेंटिटी हो, मल्टी जैसा स्ट्रक्चर दिया जाए जिसके रिस्पेक्ट में ग्रुप आपको चेक करना हो, अगर एडिशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप चेक करना हो, तो सबसे पहले अटैक करिए कि उसमें एडिटिव आइडेंटिटी है कि नहीं. एडिटिव आइडेंटिटी हो गई तो आप देखिए कि a के लिए माइनस a है कि नहीं, अगर हो गया तो इनवर्स हो गया. अब दो को ऐड करिए, देखिए उसको सेटिस्फाई मीन्स उसके अंदर है कि नहीं. आर्बिट्रेरी उठाना है, कोई भी दो उठाना है, किसी दो के लिए सही हो जाएगा कि नहीं, दो पर्टिकुलर के लिए सही हो जाएगा तो आप उसे सही नहीं कहेंगे जब तक कि सबके लिए सही नहीं होता. फॉर एवरी, इसलिए कहा जाता है कि फॉर एवरी की बात करते हैं आप, है ना. तो ये तो रहा कब ग्रुप होगा, बट अगर ये स्ट्रक्चर ग्रुप हो गया, है ना, कि इफ जी इज ग्रुप, जी विथ रिस्पेक्ट टू स्टार इज ग्रुप, एंड फॉर एवरी एक्स वाई एलिमेंट ऑफ दिस जी, एक्स स्टार वाई इज वाई स्टार एक्स. अगर ऐसा हो जाए, फॉर एवरी, ध्यान से देखिएगा, दिस इंप्लाइज जी इज अबेलियन ग्रुप. उस केस में आप जी को कैसा ग्रुप करते हैं, अबेलियन ग्रुप करते हैं. जस्ट हम आपको रिमाइंड करा रहे हैं कि ग्रुप की डिफिनेशन क्या है. हम लोग तो पढ़ेंगे आज साइक्लिक ग्रुप, ठीक है ना. तो जस्ट ये डिफिनेशन चल रही थी इसकी कि क्या होता है. तो जब भी ऐसा कोई स्ट्रक्चर हो जिसको आपको चेक करना हो कि ग्रुप है कि नहीं, तो आप चेक कर लेंगे, है ना. पहला चेक करेंगे कि उसमें एडिटिव आइडेंटिटी है कि नहीं, क्लोजर है कि नहीं, इनवर्स है कि नहीं, एसोसिएटिविटी है कि नहीं, ये सारा चेक करिए. और इन एडिशन सिंपली जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इन जनरल कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज एडिटिव, एडिशन इज कम्यूटेटिव ऐसा नहीं है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज एडिटिव. और अगर किसी ग्रुप में ये होल्ड कर जाए, फॉर एवरी, इसीलिए कहा जाता है कि आप अपने परिवार में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ले आइए, आप सबसे बात करिए, घर के प्रत्येक मेंबर से बात करिए. और जब घर के आप प्रत्येक मेंबर से बात करेंगे और सारे लोग एक दूसरे से बात करेंगे, तो उस घर को अबेलियन आप बोलेंगे, मीन्स वो घर के लोग ज़्यादा सुखी रहते हैं, ज़्यादा खुश रहते हैं, क्योंकि एक दूसरे से बात करते रहते हैं. अदरवाइज क्या होगा, अंदर 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 बैठे 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 चीज़ें बड़ी हो जाती है और एक दिन बर्स्ट हो जाती है, है ना. तो मैथमेटिक्स आपको सिखाएगी सारी चीजें. तो ये तो रहा कि जी अबेलियन कब हो गया. हमारा मेन जो क्लास था वो ये तो नहीं था, ये तो जस्ट ये था कि आपको रिमाइंड कराएं. इस पे मेरी क्लासेस यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं, बीएससी थर्ड सेमेस्टर करके क्लास पढ़ी है, जिसपे हम लोगों ने कई सारे एग्जाम्पल भी डाल रखे हैं, और वो ऐसे कैमरे से तो नहीं रिकॉर्ड है, बट आप उसको समझ सकते हैं. बीएससी थर्ड सेमेस्टर ग्रुप थियरी करके देखेंगे तो मिल जाएगा. आज हम लोग जिसपे बात करेंगे वो है साइक्लिक ग्रुप, जिसका जो प्रोनाउंसिएशन है साइक्लिक भी होता है, जिसे कुछ